अस्सलामुअलैकम, गोगी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। ये है पोको F1 के लिए टेम्पर्ड ग्लास, मैंने अमेजोन से परचेज किया है लगभग 400 रुपये देकर। और साथ ही साथ मैंने पोको F1 भी परचेज किया हूँ रेड एडिशन में। और इस वीडियो में हम जान लेंगे इस टेम्पर्ड ग्लास का और पोको F1 का जो रेड एडिशन है उसको अनबॉक्सिंग करके, और साथ ही साथ उस फ़ोन पे हम इस टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करके भी आपको बता लेंगे। तो बिना कुछ देरी के चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है टेम्पर्ड ग्लास पोको F1 के लिए। यहाँ पर कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ MRP है। तो अपने 999, तो कुछ इस तरह से इसमें है। इसके अंदर क्या है तो देख लेते हैं एक बार फाड़ कर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ स्टिकर्स है, यानी वो किस लिए यूज़ होते हैं बाद में आपको पता था, शायद आप देखे भी हो गए। तो और यहाँ पर एक पेपर है तो स्क्रीन को साफ करने के लिए, और यहाँ पर एक जो यूज़ करते हैं पोषण लिए, और ये है जो है अगर बबल आने पर है, इसको यूज़ करके क्या है हम बबल को हटा सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है। ये है टेम्पर्ड ग्लास पोको F1 के लिए जो कि 6D है। ये तो देख सकते हो कुछ काफ़ी अच्छा है, तो देख लेते हैं क्या है इसके ये करने बाद। और ये वीडियो में इसलिए नहीं बनाया था कि क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था तो इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था। अभी मेरे पास फ़ोन आ चुका है, ब्रांड न्यू पोको F1। जो रेट है यहाँ पर देखिए, जो इसका जो कलर है वो है रोसो रेड, 6GB 64GB में। और यहाँ पर कुछ हाईलाइट है वही 845, उसके बाद लिक्विड कूलिंग, जो कैमरा वगैरह बारे में। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है 6GB 64GB रोसो रेड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो MRP है वो है 21,999 है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, वो बस जो टिपिकल बॉक्स मिलता है वही सेम है। जो रेड कलर है उसमें खास करके कुछ भी यहाँ पर नई चीज़ देने की कोशिश नहीं की है। और चलिए अभी इसका हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो ये रहा, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको मैंने अभी निकाल लिया, और यहाँ एक स्टिकर है, दो स्टिकर है, वो स्टिकर हम निकाल लेते हैं। और आजकल के जो भी जितने भी जो MI के जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो सभी के सभी ये अभी हम निकाल लेते हैं पोको F1। तो बॉक्स निकलते ही अंदर और एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है हमें देखने के लिए। तो इसके अंदर वही चिपयू केस वगैरह कुछ है। तो देखिए जो वारंटी इंफॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट TPU केस है। लेकिन ये जो TPU केस का जो क्वालिटी है मुझे उतना पसंद नहीं है, एकदम बोलते हैं चुप, खास उतना खास नहीं है TPU केस की जो क्वालिटी है उतना खास नहीं है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है पोको F1। तो काफ़ी बढ़िया है ये, हालांकि मैंने इसका एक वीडियो बनाया हूँ, अब चाहे तो आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो ये है ब्रांड न्यू पोको F1। तो ब्रांड न्यू तो है तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस देखिए अभी हम इसी को क्या है, इसी पे क्या है, इस टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करने वाले हैं। जो मेरे को जो ये वो जो फ़ोन दिख रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा नहीं है बस इसमें यही है एक, ये फास्ट चार्जिंग है तो ये भी देख सकते हो आप। निकाल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर 5V 3A और 9V 2A 12V 1.5A का ये जो एक अडाप्टर है। और उसके बाद आपको एक टाइप सी केबल मिल जाता है, हालांकि ये जो केबल है इसकी भी क्वालिटी उतनी खास नहीं है। तो ये देखिए टाइप सी केबल, उसके बाद यहाँ पर एक सिम इजेक्शन टूल है,
तो इसको हम रख देते हैं एक बार साइड में। तो ये देखिए मैंने इसे हटा लिया और इसको भी मैंने यहाँ से हटा लिया और इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं हम। ओके, तो ये प्रॉपरली बैठ चुका है। तो देखिए, तो अभी हम इसको बूट अप कर लेते हैं। आई होप कि इसमें बैटरी हो। हाँ, बैटरी तो है। तो स्टार्ट हो गया, पोको बाय शाओमी लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए, MIUI 9 पे रन कर रहा है, लेकिन शाओमी यहाँ पर आज ही एक अपडेट दिया है कि MIUI 9 का जो अपडेट है जल्द से जल्द इसे मिलेगा बोलकर। तो शायद एक हफ्ते के अंदर 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 आपको ये अपडेट मिल जाता है। और यहाँ पर इंग्लिश इंडिया हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ है इंडिया? ओके, इंडिया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके, तो हम एक बार से स्किप कर लेते हैं। स्किप कर लिया और नेक्स्ट नेक्स्ट कर लिया है। फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई भी सिम नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद मोर पे जाते हैं, एग्री करते हैं। फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हम अभी, क्योंकि आपको पता ही है फिंगरप्रिंट कैसा है। और ये जो है अपना पोको का कुछ चूज थीम्स बोल के दिया है यहाँ पर, पोको थीम्स ही मैं रखता हूँ और डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद यहाँ पर है टाइमलेस, लेकिन मुझे जो तो पोको का जो थीम है वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो पोको का ही मैंने रख देता हूँ। और ये रहा, अप्लाइड हो चुका है। और इसके बाद अभी हम कंप्लीट सेटअप तो हो चुका है अपना, तो इसके बाद हम चलते हैं यू आर रेडी टू रॉक। और साथ साथ ये पीछे देखिए, यहाँ पर अभी भी इसका घूंघट, पीछे का जो घूंघट है मैंने अभी तक भी ऐसे रखा हूँ। अभी हम ये जो पीछे का जो घूंघट है उसको भी हम निकाल लेते हैं, जो कि इस तरह से। ओके, और ये भी रखेंगे क्या? तो ठीक है, एक बार रख लेते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है रखने से। तो भाई साहब, ये TPU केस पे अगर आप भरोसा रखते हो तो बिल्कुल मत रखना, क्योंकि आपको कभी भी धोखा दे सकता है ये TPU केस कवर। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो भी शायद बनाया होगा। तो ठीक है, देख लिए, उसके बाद जो ऑल आउट कर दीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, ये है अपना POCO F1। तो ओके, तो ये देखिए POCO F1। और टेम्पर ग्लास बटाने के बाद भी कुछ बढ़िया लुक दिखाई दे रहा है। और हम चलते हैं सीधे अभी इसका रैम चेक करने के लिए। रैम चेक करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको मोर में जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि शो मेमोरी स्टेटस, तो इसे आप इनेबल करना है, उसके बाद ही आप इसे रैम चेक कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेटिंग्स में जाकर ये कर दिया। उसके बाद तो ये देखिए 6 GB में से 4.1 GB फ्री मिल जाती है फर्स्ट बूट में। अगर इसको हम पूरा किल करते हैं तो भी कुछ नहीं, 6 GB में से आपको 4.1 GB फ्री मिल जाती है। और अभी हम चलते हैं सेटिंग्स में। तो ये देखिए मैंने अभी सेटिंग्स में गया, उसके बाद अबाउट फोन में, यहाँ पर डिवाइस नेम पोको फोन, यहाँ पर मॉडल नंबर POCO F1, और एंड्रॉयड का वर्शन जो है 8.1.0 पे, और जो सिक्योरिटी पैच है वो है 1.7 का। हालांकि ये अपडेट आ चुके हैं, दो या दो एक या दो अपडेट आए हैं, तो उसमें सिक्योरिटी जो है वो भी चेंज होने वाला है। 1 अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए MIUI 9.6.14 यहाँ पर अपडेट है। हालांकि 9.6.26 9.6.26 भी आ चुका है अपडेट में, तो वो भी चेक करना है मेरे को। उसके बाद यहाँ पर देखिए 64 GB में से आपको मिल जाती है 54.67 GB अवेलेबल, तो एक अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं एक कैमरा सैंपल।
जो कैमरा क्लैरिटी है काफ़ी अच्छा है, बैक का भी अच्छा है और फ्रंट का भी अच्छा है। हालांकि इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन 845 एक काफ़ी अच्छी है, और जो टेम्पर्ड ग्लास जो बैठा है, तो ये देखिए एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि नीचे से थोड़ा यहाँ पर जगह बचा है, ऊपर से पूरी तरह से कवर है, लेकिन और थोड़ा अगर हो सकता तो अच्छी बात होती थी, लेकिन नहीं है, तो कैमरा वगैरह बस ये हो गए। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर क्या करना है आपको पता है, अगर पसंद आने नहीं आए तो भी क्या करना है आपको पता है। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो हम ख़त्म करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो इसी के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो इसी के साथ अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।